शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपने जीरोधा का अकाउंट ओपन कर लिया, टीपिन जनरेट कर लिया और नहीं किया तो मैं आई बताऊं, मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप कैसे जीरोधा का अकाउंट ओपन करेंगे, कैसे आप टीपिन जनरेट करेंगे, सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप शेयर बाय करेंगे, बहुत ही आसान तरीके, एक चुटकी में आप शेयर बाय कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप लोग ओपन करना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया है, उस लिंक में आप क्लिक करके आप जीरोधा का अकाउंट ओपन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। आप देख रहे हो असामो चैलेंज, मैं विप्लव, चलिए शुरू करता हूँ। जब भी आपका एप्लीकेशन काइट एप्लीकेशन ओपन करेंगे जीरोधा का, तो देखिए इस तरह का आपका पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा, ये ऊपर देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर वॉच लिस्ट आपको दिखाएगा। यहाँ पर वॉच लिस्ट 1 2 3 4, और आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉच लिस्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा एक पेन के टाइप दिखा रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके हिसाब से आप कस्टमाइज करके वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो मैं नहीं बनूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा, देखिए माय सर्च और 2020 में ये सब सर्च में ये सब वॉच लिस्ट बना के रखा हूँ। तो आप चाहो तो आप इस तरह का वॉच लिस्ट बना सकते हो। आप वॉच लिस्ट बनाने के बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट 1 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। तो देखिए 1 में मैं कुछ शेयर को वॉच लिस्ट बना के रखा, कुछ को 1 में ऑलरेडी रहता है इस तरह का, 2 में मैं कुछ सिलेक्ट करके रखा, 3 में कुछ नहीं। आप किसी ना किसी जगह पे कोई शेयर का नाम जाना, कोई कंपनी के नाम को आपने जाना, जानने के बाद आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस जगह में आपको सर्च करना पड़ेगा उस कंपनी के नाम। तो मैं पहले तो एक सिंपल इंडियन ऑयल कंपनी का नाम यहाँ पर सर्च करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इंडियन ऑयल लिखा तो यहाँ पर चलाया, शॉर्ट फॉर्म में देखिए IOC चलाया, नीचे देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नाम आ जाएगा। तो आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको शेयर प्राइस दिखाएगा कि कौन रेट में चल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देखिए प्लस का ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर राइट हो जाए। राइट हो जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए 3 नंबर वॉच लिस्ट में देखिए ये हमारा शामिल हो गया है। यहाँ पर देखिए शामिल हो गया। तो शामिल होने के बाद आप चाहो तो इस शेयर को आप कैसे खरीदेंगे। तो देखिए इस तरह का मैं यहाँ पर बहुत सारे शेयर को वॉच लिस्ट बना के रखा और कुछ कुछ शेयर को मैंने बाय भी करके रखा। जैसे कि देखिए इस कंपनी का 30, इस कंपनी का 80, इस कंपनी का 10, इस कंपनी का 10 और इस कंपनी का भी 10 शेयर मैंने बाय करके रखा। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह का कोई भी शेयर बाय करें, क्योंकि आप कोई भी शेयर खरीदेंगे तो पहले आपको उसको रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उस कंपनी के बाद, फिर आप उस कंपनी का शेयर बाय करिए। मैं जो मुझे अच्छा लगा मैं उसको यहाँ पर बाय करके रखा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप कैसे बाय करेंगे। उसके बाद आप वॉच लिस्ट में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी कंपनी का शेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बाय लिखा हुआ है, बाय के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का एक ओपन हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी देना पड़ेगा, आप कितना क्वांटिटी शेयर यहाँ पर खरीदना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ, आप जितना चाहे। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर रेट कितना बैलेंस है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर आप जब भी
रिफ्रेश करेंगे तो 10 शेयर खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा यहाँ पर दिखाएगा, और टोटल आपका बैलेंस कितना है आपका अकाउंट में वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह से आप ये इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाइए, देखिए मार्केट मतलब यहाँ पर ऊपर पे देखिए NSE BSE दिखा रहा है, तो आप चाहो तो NSE भी खरीद सकते हो, आप चाहो तो BSE में भी खरीद सकते हो। तो मैं NSE में सिलेक्ट कर रहा हूँ, और कुछ कुछ शेयर में BSE रहता है लेकिन NSE नहीं रहता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी चाहता है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, NSE BSE जो भी हो। तो मैं NSE को सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऊपर आपको लाइव रेट भी दिखाएगा, कितना रेट चल रहा है सब कुछ दिखाएगा, और इस प्राइस का ही रेट आपको नीचे दिखाएगा कितना लगेगा। और आप चाहो तो यहाँ पर देखिए लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका प्राइस में आ गया। आप चाहते हो जो 1790 पैसा चल रहा है तो आप चाहते हो यहाँ पर 1780 कर दे, 80 करना चाहते हो तो 80 कर दीजिए, जब भी ये 1780 आएगा बिट प्लस कर दीजिए, यहाँ पर स्विप बाई का जी करेंगे तो आपका जब भी इस प्राइस में आएगा आपका शेयर इस प्राइस में ही आपको मिलेगा, और नहीं तो आप मार्केट में छोड़ दीजिए तो आपका जब भी आप यहाँ पर देखिए स्विप टू बाई में क्लिक करेंगे आपको उस जिस प्राइस में चलेगा लाइव उस प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर मार्केट भी करता है, और नहीं तो आपको लगेगा जे एशियर थोड़ा सा नीचे आ सकता है तो आप उस तरह आप लिमिट यहाँ पर सेट कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए इंटरडे यार यहाँ पर लॉन्ग सम, आप इंटरडे करेंगे तो आज भी आज कोई शेयर किना इस कंपनी के साइड शेयर किना तो आपका शेयर का प्राइस कमेगा तो आपको लॉस होगा, आज शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपका लाभ होगा, जो होगा आज के अंदर ही होगा, ठीक है आज के अंदर अंदर आपको लाभ लॉस जो होगा वही होगा। और आप लॉन्ग सम करना चाहते हो तो इसको खरीद लीजिए, इसको सिलेक्ट करके जब भी आप खरीदेंगे तो जितना भी टाइम लगे एक दिन दो दिन एक साल दो साल दस साल जितना मर्जी आप उतना टाइम तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। और यहाँ पर आपको इंटरडे में आप होल्ड नहीं कर सकते हो, आपका मार्केट बंद हो जाएगा उस आप खुद सेल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं ज़्यादातर बोलूँगा आप कोई भी शेयर खरीदे तो लॉन्ग सम में जाए, क्योंकि आपका शेयर खरीदने के बाद लॉस भी हो जाए डाउन भी हो जाए तो आपका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी आपको बढ़ेगा रेट तब आप सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग सम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर स्विप में क्लिक करिए, देखिए स्विप टू बाई लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, तर पर प्रोसीड लिखा हुआ है प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है ऑर्डर्स उसके ऊपर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर आपका शेयर शो करेगा आप कितना शेयर बाई किया कितना रेट में बाई किया वो दिखाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्लीट दिखाएगा मतलब आपका शेयर आपका पोर्टफोलियो में आ जाएगा।